इस वीडियो में मैं बात करूंगी सलार पोस्टपोन से रिलेटेड अपडेट्स और डंकी की टीजर के बारे में। उससे पहले मेरे कल की वीडियो को लेकर काफी लोग कह रहे हैं कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ सलार के अगेंस्ट और मुझे इनसिक्योरिटी है सलार को लेकर, क्या मजाक है। मैं आपको बताती हूँ कि कल मैंने ये नहीं कहा था कि सलार पोस्टपोन हो गई है, बल्कि मैंने ये कहा कि सलार पोस्टपोन हो सकती है। दो अलग चीजें हैं और वो भी मैंने क्यों कहा वो भी बताती हूँ। सलार में एक ट्रेलर और तीन सॉन्ग होंगे, जिसमें एक सॉन्ग आइटम सॉन्ग होगा जो मेकर्स ने काफी टाइम बाद डिसाइड किया और उसकी शूटिंग अब तक कंप्लीट ही नहीं हुई। कंप्लीट क्या, शुरू ही नहीं हुई। और उससे बड़ी बात तो ये है कि सलार की लीडिंग एक्टर यानी कि प्रभास तो इंडिया में ही नहीं है, तो वो कैसे इस आइटम सॉन्ग को शूट करेंगे। प्रभास में भी शायद 6th या 7th को वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद ये आइटम सॉन्ग शूट करेंगे। अभी मूवी रिलीज होने में 1.5 महीने कुछ बचे हैं और प्रशांत नील के पास बहुत सारे कंटेंट है जो रिलीज करना बाकी है, वो भी मूवी रिलीज से पहले। तो देखते हैं कि मेकर्स अभी कब तक रिलीज करते हैं ये सारे कंटेंट। प्रशांत नील ऐसे बंदे हैं जो मूवी रिलीज से पहले सारे सॉन्ग्स को रिलीज कर देते हैं। यकीन नहीं होता, KGF ही देख लो। मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि इस दिवाली हमें सलार से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट देखने मिलेगा, लेकिन अगर इस दिवाली तक का कोई कंटेंट अगर सामने नहीं आता है तो 99% चांसेस हो सकता है कि सलार पोस्टपोन हो जाए। तो इसमें ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? गाइस वीडियो को एंड तक देखा करो और मैं दोनों ही मूवी को सपोर्ट कर रही हूँ और दोनों ही मूवी मैं देखने जाऊंगी। कोई नेगेटिविटी नहीं फैल रही है बॉस, और मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कहूंगी कि जिस मूवी का कंटेंट तगड़ा होगा वही लंबी रेस का घोड़ा होगा बॉस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवेज अब बात करते हैं डंकी के बारे में। डंकी का ड्रॉप 1 आया और ड्रॉप 2 कमिंग सून है। अब काफी न्यूज आ रहे हैं कि डंकी के 6 टीजर्स होंगे यानी कि 6 ड्रॉप्स। सेंसर बोर्ड से 6 टीजर आया है विद ड्यूरेशन। अब ये 6 टीजर लाने का ये कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है SRK और राजकुमार हिरानी का? वैसे भी आप सब जानते ही होंगे कि SRK अपने मूवीज को अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं और एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं, तो हो सकता है ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी या न्यू ट्रेंड हो। मूवी रिलीज होने में लगभग 1.5 महीने बचे हैं, तो ये 6 ड्रॉप हो सकता है कि ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हो ताकि लोगों को याद रहे और मूवी का हाइप बना रहे। अब एक बात है कि अगर इतने सारे ड्रॉप्स आते हैं तो शायद ट्रेलर नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से ड्रॉप 2 मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर के आसपास आना चाहिए और डंकी का फर्स्ट सॉन्ग मे बी 1 नवंबर के लास्ट वीक में आ सकता है। सो डंकी के फर्स्ट ड्रॉप के बाद काफी नेगेटिविटी बढ़ गया है। एक दो सीन देखकर ही लोगों को शाहरुख खान की पुरानी फिल्म याद आ गई। जिस तरह हम प्रभास की सलार से हम उनकी पुरानी फिल्म को लिंक नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रशांत नील की फिल्म है, तो ठीक उसी तरह हम डंकी को SRK की पुरानी फिल्म से लिंक नहीं कर सकते क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है। याद रखना, जिसका भी कंटेंट और कनेक्ट पावरफुल होगा वही मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनेगी और 1500 से 2000 करोड़ का माइलस्टोन टच करेगी। आपको क्या लगता है कौन सी मूवी पहले 2000 करोड़ का माइलस्टोन टच करेगी, डंकी या सलार? मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और वो घंटी बजाना मत भूलो। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।